दोस्तों हाल ही में मैंने 1992 में रिलीज हुई गॉथिक हॉरर फिल्म ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला देखा जिसे फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला ने डायरेक्ट किया है ये फिल्म ड्रैकुला बुक पे बेस्ड है जिसे 1897 में ब्रैम स्टोकर ने लिखा था तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए फिल्म से जुड़ी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो तो फिल्म की कहानी सन चौदह यानी 1462 में शुरू होती है जब ऑटोमन अंपायर, यानी कि टर्क्स ने यूरोप पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था ऐसे में रोमानियन नाइट जिसका नाम ड्रैकुला था वो इन टर्क से लड़ने निकल पड़ता है और ऐसे में उसकी ब्राइड एलिजाबेटा कैसल में उसके लौटने का इंतजार करती है ड्रैकुला वार्ड जीत जाता है लेकिन ड्रैकुला की ब्राइड एलिजाबेटा को टर्क झूठी खबर पहुंचा देते हैं कि ड्रैकुला वार्ड में मारा गया ऐसे में एलिजाबेटा कैसल से रिवर में कूद कर अपनी जान दे देती है और जब ड्रैकुला वापस आता है तो एलिजाबेटा को मृत देख कर बौखला उठता है प्रीस्ट्स कहते हैं कि एलिजाबेटा नरक में जाएगी क्योंकि वो खुद को मारकर पाप करी है और ये सुनते व्लैड यानी ड्रैकुला गॉड को रेनाउंस करके गॉड के अगेंस्ट ही चला जाता है वो चैपल के क्रॉस को स्टैब करता है जिसमें से खून निकलने लग जाता है और ड्रैकुला इस खून को पी लेता है जहा हम जॉनथन हार्डकर नामक सॉलिसिटर को, को अपने लंदन ऑफिस में देखते हैं एक क्लाइंट काउंट ड्रैकुला से मिलना है जो कि लंदन में कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सॉलिसिटर रेनफील्ड नाम का इंसान हुआ करता था लेकिन आफ्टर हिज विजिट वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका था एंड ही वॉज ईटिंग इंसेक्ट्स फिलहाल रेनफील्ड जैक सीवर्ड नामक इंसान के असाइलम में एडमिटेड है एंड जॉनथन उसी का रिप्लेसमेंट था तो ट्रांसिल्वेनिया निकलने से पहले जॉनथन अपनी मीना से मिलता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जॉनथन के लौटने के बाद वो शादी कर लेंगे खैर ट्रांसिल्वेनिया के लिए ट्रैवल करता है और उसकी जर्नी थोड़ी डरावनी सी थी आई मीन रास्ते में उसे वुल्वस दिखते हैं एक पैसेंजर उसे क्रॉस देती है एंड ड्रैकुला का कैरेज ड्राइवर अजीब सा था इन सब के अलावा उन्हें रास्ते में एक अजीब सा ब्लू फ्लेम भी दिखता है फाइनली कासल पहुंच के जोनाथन काउंट ड्रैकुला से मिलता है जो कि खुद बहुत डरावना सा दिख रहा था ड्रैकुला यहाँ अपनी एंसेस्ट्री के बारे में बातें करता है एंड वी नोटिस कि वो ना तो कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था हमें पता चलता है कि ड्रैकुला लंडन में 10 प्रिसाइज लोकेशन पे हाउसेज परचेज कर रहा था एंड इज एबी अब इस पॉइंट पे व्यूअर हमें क्लियर इंडिकेशन दे दिया जाता है कि 1462 वाला फोटो देखता है जो की हूबहू उसकी ब्राइड एलिजाबेटा जैसी दिख रही थी मीना की फोटो को देखकर ड्रैकुला को लगता है कि मीना एलिजाबेटा की री है और ऐसे में वो मीना को जोनाथन से छीन लेने के बारे में सोचने लग जाता है ड्रैकुला जोनाथन से लेटर्स लिखने के लिए कहता है जिनमें जोनाथन ये लिखे कि वो ड्रैकुला के साथ उसके कासल में एक महीना रहने वाला है और ऑब्वियसली जोनाथन वहाँ इतने लंबे समय तक रुकना नहीं चाहता था लेकिन वो ड्रैकुला की बात को टाल नहीं पाता एंड वो लेटर्स लिख के तैयार कर लेता है दूसरी तरफ हम मीना और उसकी फ्रेंड लूसी को देखते हैं एट लूसीज प्लेस जहां लूसी अपने पोटेंशियल सूटर्स के साथ काफी फ्लर्ट कर रही थी मीना वाज वेटिंग फॉर जोनाथन टू तो रिटर्न और यहां हमें रायनफील्ड की झलक भी मिलती है जो कि असाइलम में मास्टर मास्टर किए जा रहा था और उसे खून चाहिए था हिंटिंग कि शायद वो वैम्पायर में तब्दील हो चुका है

जो की ड्रैकुला लंदन में टेन हाउसेस परचेज कर चुका था ही वॉज रेडी टू ट्रैवल टू लंदन और ट्रैवल करने से पहले वो बॉक्सेस में ट्रांसिल्वेनियन सॉइल भरवा रहा था ताकि वो इन बॉक्सेस को अपने साथ ले जा सके ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रैकुला ट्रांसिल्वेनियन सॉइल यानी कि ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी में ही रेस्ट कर सकता है जिससे उसकी ताकत इंटैक्ट रहे और वो ये मिट्टी वाली बॉक्सेस को अपनी कारफेक्स एबी वाले रेसिडेंस में भिजवा रहा था वैसे नोवेल में वो अपने दसों रेसिडेंस में भिजवाता है लेकिन यहाँ कारफेक्स एबी वाले रेजिडेंस पे काफी फोकस किया गया है खैर ड्रैकुला जोनाथन को अपनी ब्राइड्स के पास ही छोड़ देता है और खुद सी रूट से लंदन के लिए निकल जाता है वहीं लंदन में राइनफील्ड को पता चल जाता है कि उसके मास्टर आने वाले हैं और वो अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है नाउ लंदन पहुंचते ही ड्रैकुला एक वुल्फ जैसे क्रिएचर के रूप में एंटर करता है और वो हिप्नोटिकली लूसी को सेड्यूस कर लेता है अमिट्स थंडरस्टॉम ड्रैकुलर लूसी के साथ गार्डन में इंटीमेट होता है और उसे काट भी लेता है मीना लूसी को इस अजीब क्रीचर के साथ देख लेती है लेकिन वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती इसीलिए वो लूसी को फौरन घर के अंदर लेकर आती है अगली सुबह लूसी की तबीयत बिगड़ गई थी वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला एकदम यंग दिखने लगा था एंड सरप्राइजिंगली हम व्य जान पाते हैं कि ड्रैकुला डे लाइट में भी घूम सकता है जस्ट दैट डे टाइम में वो ताकतवर नहीं होता घूमते हुए ड्रैकुला मीना को देखता है और मीना के सामने वो खुद को एज प्रिंस व्लैड इंट्रोड्यूस करता है दूसरी तरफ लूसी की तबियत काफी बिगड़ने लग गई थी और ऐसे में लूसी का आर्थर, लूसी के और को बुलाता है ऐसे में वो डॉक्टर को मदद के, लिए बुलाता है, जो के टीचर भी रह चुके थे वैन हेल्सिंग लूसी से मिलते ही समझ जाते हैं कि कोई वैम्पायरिक क्रीचर लूसी का खून पी रहा है जिससे लूसी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है इनफैक्ट उन्हें लूसी के गर्दन पे दो दांत के निशान मिलते हैं वो लूसी के फ्योन से अर्थर और बाकी को समझाते हैं कि ये किसी वैम्पायर का काम है लेकिन उनकी बातों को सब मानने से कतरा रहे थे इन सब के दौरान ड्रैकुला मीना से रेगुलरली मिलते हुए उसे शाम करने लग गया था और मीना भी ड्रैकुला की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी एक बार तो ड्रैकुला मीना को बाइट करके अपने जैसा बनाने की भी सोचता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता मीना को मानो भूल सी थी और अब भी ड्रैकुला के तीन ब्राइड्स के बीच रोमानिया में फंसा हुआ था जो कि उसका खून पीकर उसे काफी कमजोर बना दी थी तो एक दिन जोनाथन कासल से भागने का प्लान करता है और वो किसी तरह अपनी हिम्मत जुटा कर कासल से रिवर में कूद कर वहां से भाग जाता है वो पास वाले गांव के एक कॉन्वेंट में छिपकर रिकवर करने लगता है और वो मीना को खत लिखता है जोनाथन का खत मिलते ही मीना फॉरन रोमानिया ट्रैवल करती है टू मीट जोनाथन और वो ड्रैकुला के लिए एक खत छोड़ जाती है जिसमें वो बताती है कि वो किससे मिलने गई है जब ड्रैकुला को यह खत मिलता है तो उसे पता चलता है कि मीना जोनाथन के पास रोमानिया गई है उससे शादी करने तो ड्रैकुला एकदम आग बबूला हो जाता है वो गुस्से में लूसी को बाइट करके एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देता है और पैरल में हम जोनाथन और मीना को शादी करते हुए देख पाते हैं अब ड्रैकुला के फ्यूरियस बाइट को लूसी सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली वो अब अनडेड यानी वैम्पायर बनने वाली थी लेकिन लोगों को लगता है कि लूसी मारी गई वो लोग लूसी को कास्केट में रखते हैं बट इवन एट दिस पॉइंट वैन सिंहशिया और की लूसी वेम्पायर में तब्दील हो जाएगी उस रात वो लूसी के फ्योन से और फॉर्मर शूटर्स के साथ लूसी के कास्केट को विजिट करते हैं जिसमें सरप्राइजिंगली लूसी नहीं थी यानी कि लूसी वहां से गायब हो चुकी थी तभी हम लूसी को जिंदा देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक बच्ची को लेकर आई थी ताकि वो उस बच्ची पे फीड कर सके ये दृश्य देखकर वैन हेल सिंह हॉमवुड सीवर्ड और मॉरिस लूसी पे क्रॉस वगैरह से हमला कर देते हैं और हॉमवुड लूसी के हर्ट में एक स्टेक इंपेल करके उसे मार डालता है दूसरी तरफ मीना और जॉनाथन शादी करके लंदन वापस आते हैं और वापस आते हैं जोनाथन वैन हेल्सिंग से मिलता है वो सब कुछ वैन हेल्सिंग को बताता है और ये दोनों बाकियों के साथ ड्रैकुला के रेसिडेंस कार्फेक्स एबी में जाकर उसके सॉइल वाले बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं इस दौरान ड्रैकुला रेनफील्ड को मार डालता है क्योंकि रेनफील्ड ने मीना को ड्रैकुला के प्रेजेंस के बारे में वॉर्न किया था रेनफील्ड को खत्म करने के बाद ड्रैकुला मीना को विजिट करता है जो कि फिलहाल सीवर्ड के घर में थी और वो मीना के साथ इंटरमेट होने लगता है ड्रैकुला कन्फेस करता है कि उसने ही लूसी को मारा है जिसे सुनकर मीना को दुख तो होता है बट स्टिल मीना ड्रैकुला से ही प्यार करती थी क्योंकि उसे अपने पिछली लाइफ की वो बातें याद आने लग गई थी जब वो ड्रैकुला की ब्राइड बेटा हुआ करती थी अब यहाँ हो सकता है कि ड्रैकुला ने मीना को हिप्नोटाइज करा हो बट लुक्स लाइक मीना ड्रैकुला के इन्फ्लुएंस में अपने पास्ट लाइफ को याद कर पा रही थी वो ड्रैकुला को कंसेंट देती है कि ड्रैकुला उसे भी अपने जैसा बना दे जिसके बाद ड्रैकुला उसे एक वैम्पायर में तब्दील करने लग जाता है अचानक वैन हेल्सिंग और उनकी पूरी हंटर गैंग यहां आ जाती है और ये लोग ड्रैकुला को घेर लेते हैं ड्रैकुला उनसे कहता है कि मीना अब उसकी ब्राइड है जिसके बाद वो चालाकी से यहां से भाग निकलता है इस पॉइंट पर वैन हेल्सिंग मीना को हिप्नोटाइज करता है क्योंकि उसे पता था कि ड्रैकुला का अपने वैम्पायर्स के साथ किसी तरह का माइंड कनेक्शन रहता है इसी कनेक्शन की मदद से वैन हेल्सिंग को पता चलता है कि ड्रैकुला असल में लंदन से भागकर वापस रोमानिया अपने कासल जा रहा है इन हिज लास्ट सॉइल बॉक्स यानी कि उसका आखिरी जो मिट्टी वाला बॉक्स बचा था उसमें छिपकर ये जानकर हंटर्स प्लान करते हैं कि वो लोग ड्रैकुला के बग्घी को वर्ना में इंटरसेप्ट करके ड्रैकुला को मार डालेंगे लेकिन ड्रैकुला का भी मीना के माइंड पे कंट्रोल था जिसके थ्रू उसे इस प्लान के बारे में पता लग जाता है इसीलिए ड्रैकुला हंटर्स के इस अटैक से बच निकलता है इस नाकाम कोशिश के बाद हंटर्स स्प्लिट करते हैं जहां वैन हलसिंग और मीना बॉर्डो पास से होते हुए ड्रैकुला के कासल पहुंचते हैं और बाकी लोग जिप्सीज को रोकने की कोशिश करते हैं जो कि ड्रैकुला को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो पहले हम वैन हल और मीना को देखते हैं जो रात के वक्त ड्रैकुला के कासल पहुंच चुके थे और यहां ड्रैकुला की ब्राइड्स इन्हें अप्रोच करती हैं ड्रैकुला के ब्राइड्स किसी तरह की चांटिंग्स कर रही थी जिसका असर मीना पे होता है और मीना उनके कंट्रोल में आ जाती है मीना तुरंत ही वैन हल को सिड्यूस करके उनका खून पीने की कोशिश करती है लेकिन वैन हल खुद को संभालते हुए मीना के सर पे कम्युनियन वेफर डालते हैं जिससे मीना के सर पे एक जलने जैसा मार्क बन जाता है वैन हल खुद को और मीना को एक रिंग ऑफ फायर से सराउंड कर लेते हैं ताकि ब्राइड्स उन उनपे अटैक न कर पाए और सुबह होते ही वैन हल ड्रैकुला के कासल में घुस ब्राइड्स का सर धर से अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला का कैरेज भी कासल पहुंच चुका था और उसके कैरेज के पीछे हंटर्स लगे हुए थे कासल पहुंचकर हंटर्स और जिप्सीज में लड़ाई छिड़ जाती है जहां मॉरिस घायल हो जाता है अब जैसे ही सन क्लाउड के पीछे जाता है और से सनसेट होता है ड्रैकुला अपने कॉफिन से बाहर निकलकर जोनाथन जोनाथन पे अटैक करता है इस अटैक के लिए तैयार था और वो एक कुकरी नाइफ से ड्रैकुला का गर्दन में कट लगा देता है इस कट की वजह से ड्रैकुला विचलित हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर इंजर्ड मॉरिस ड्रैकुला को उसके हार्ट में स्टैब कर देता है इस वेल प्लान अटैक को ड्रैकुला झेल नहीं पाता और मीना उसकी तरफ दौड़ती है मीना और ड्रैकुला एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं वहीं वुंडेड मॉडिस अपना प्राण त्याग देता है यहाँ से सीन उस चैपल का आता है जहाँ ड्रैकुला ने गॉड को रिनाउंस किया था और ड्रैकुला यहाँ वुंडेड और अपने एंशियंट डिमोनिक फॉर्म में पड़ा हुआ था मीना ड्रैकुला को किस करती है जिसके बाद चैपल के कैंडल्स अपने आप जलने लगते हैं और ड्रैकुला द्वारा डैमेज किया गया क्रॉस अपने आप रिपेयर हो जाता है इस पॉइंट हम ड्रैकुला को अपने यंगर सेल्फ में तब्दील होते हुए देखते हैं जो कि मीना से पीस की गुहार लगाता है मीना ड्रैकुला को नाइफ से उसके हार्ट में स्टैब करती है जिसके बाद फाइनली ड्रैकुला मारा जाता है ड्रैकुला के मरते ही मीना के सर से वो बर्ंट मार्क भी हट जाता है एंड दिस शोड की ड्रैकुला का कर्स अब खत्म हो चुका था मीना ड्रैकुल का सर धर से अलग कर देती है जिसके बाद हम व्यस को एक फ्रेस्को का नजारा दिखाया जाता है डिपिक्टेड कि ड्रैक्यूला और इलिजाबेटा हेवन की ओर जा रहे हैं और वो दोनों री हो गए हैं इसी के साथ ब्रैम स्टोकर्स ब्रम फिल्म खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड यहाँ अगर आपने मेरी ड्रैकुल नोवेल वाली पॉडकास्ट सुन रखी होगी तो आपको ये कहानी काफी सिमिलर सी लगी होगी ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फिल्म ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुल नोवेल की ही एक एडेप्टेशन है जहाँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा गया

कैरेक्टर का रियल लाइफ टेपिस है जिसे लोग नाम से भी जानते थे तो बस आज की वीडियो में इतना ही आई होप की आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेलाइकॉन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने लाते रहते हैं पीस